आरोग्य जागृति। म्यूकर माइकोसिस। कोरोना के बाद इस बीमारी ने सामान्य लोगों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। एक मुसीबत से निपटे नहीं कि दूसरी आफत इंतजार में खड़ी है। कोरोना के शुरुआती दिनों में ही हमें बताया गया कि वायरस ये सूक्ष्म जंतु हमारे शरीर में नाक, मुंह और आंखों के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन पिछले 2 सालों से हमें सिर्फ नाक और मुंह ही मास्क से पूरी तरह ढकने को कहा जा रहा है। फिर कोरोना से बचने के लिए आंखों को कैसे बचाया जाए? क्या म्यूकरमाइकोसिस इसी के कारण हो रहा है या इसकी कोई और वजह है? ये हमें बता रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर अरुण कुमार अड़चित्रे, आंखों से संबंधित बीमारी के लिए मराठवाड़े का एक जाना माना नाम। डॉक्टर अरुण कुमार अड़चित्रे ये बहुत ही सुलझे हुए ऑफ्थेलेमिक सर्जन है। पिछले 22 सालों से न जाने कितने लोगों को उनके जीवन में आने वाले अंधकार से बचाया है। बहुत ही सहजता से मरीजों को काउंसलिंग करके उन्हें अपनी बीमारी का इलाज बताते हैं। ये हमें बता रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस ये बीमारी क्या है, और साथ ही जानेंगे स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को मोबाइल होमवर्क देने से बच्चों के आंखों पर कितना असर पड़ा। म्यूकरमाइकोसिस इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। क्या आज ट्रीटमेंट के बाद क्या तकलीफें होती है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कौन से सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। म्यूकरमाइकोसिस ये तो बहुत दुर्लभ बीमारी है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनका खुद की इम्यूनिटी कम है। जिन लोगों को ये पहले सिर्फ HIV और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ही दिखाई देता था, पर आज के सीज़न में, आज के माहौल में जो लोग कोरोना से इन्फेक्ट होकर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, जिन्होंने वहाँ पर स्टीरॉइड्स लिया है, जिनको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दिन तक लेने की ज़रूरत पड़ी है और जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट के अंदर म्यूकरमाइकोसिस के साइंस दिखाई देते हैं, जिसमें कि एक्चुअल में ये एक तरह का फंगस है जो कि नाक से होते हुए शरीर में एंट्री करता है। तो इसलिए सबसे पहले इसका इन्फेक्शन नाक में या मुंह में दिखाई देता है, तालू में दिखाई देता है, और उसके बाद में आँखों पर आता है। तो आँखों के अंदर इसका प्रेजेंटेशन आँख लाल होना, आँखों में सूजन आना और कुछ हद तक आँखों की साइज़ बाहर आना और उसकी मूवमेंट्स कम हो जाना, ये म्यूकरमाइकोसिस के 4 साइंस है। आँखों में जो लाल होती है ये हर एक को म्यूकरमाइकोसिस बोला जाता है क्या? लाल होना ये सबसे स्वाभाविक चीज़ है और हर लाल हुई आँख ये म्यूकरमाइकोसिस नहीं होती है। सिर्फ उन्हीं लोगों में म्यूकरमाइकोसिस होता है जिन लोगों ने रेमडेसिविर का बहुत ज़्यादा डोज लिया है, जिन लोगों ने स्टीरॉइड की मात्रा भरपूर ली है और जिनको ऑक्सीजन लगाने की गरज पड़ी है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से या उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को म्यूकरमाइकोसिस के चांसेस है। हमारे एक दर्शकों का सवाल है, उसके दोनों आँखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में उसे कोरोना का भी ट्रीटमेंट लेना पड़ा है। अब उसने रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरा कोर्स किया है, अब उसको डर है कि मेरे आँखों की रोशनी जा सकती है या फिर कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए या फिर कोई चेंज जांच करना चाहिए। हर वो व्यक्ति जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है या जिसने लेंस बिठाया है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्ट होकर आया है और जिस व्यक्ति का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को अपनी आँखों की जाँच करानी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद में कुछ हद तक किसी पेशेंट में वास्कुलाइटिस, यूवीआईटिस जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपन ने जांच करना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। सर, हमारे एक दर्शकों का सवाल है, मुझे डायबिटीज़ काफ़ी दिनों से है, मैं उसका उपचार ले रहा हूँ, बीपी भी हाई रहता है हमारे को, उसमें मैंने कोरोना की ट्रीटमेंट लिया हूँ, लेकिन आज जो मैं अखबार देखता हूँ या फिर न्यूज़ पे चैनल पे देखता हूँ क्या ये डिसीज़ हो सकता है, तो मुझे काफ़ी डर लगा है कि मुझे आँखों को क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर मैंने कोई लेंस डालना चाहिए। जिस व्यक्ति को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और जिन्होंने कोरोना की ट्रीटमेंट ली हुई है, उन व्यक्ति ने अपना पर्सनल हाइजीन, जिसमें कि मुंह और नाक साफ करना, गार्गल्स करना और आँखों का लिड मार्जिन की केयर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा भी लालपना या थोड़ी भी आँख में दर्द हुआ हो
तो अर्जेंट जाकर अपने नज़दीक के आँखों के डॉक्टर से आपने चेकअप करवाना ज़रूरी है। सर एक सवाल ऐसा आ रहा है, एक महिला है जो परभणी से है, उनका सवाल ऐसा है कि अभी ऑनलाइन जो बच्चों को पढ़ाई हो रही है, काफ़ी टाइम वो स्क्रीन के सामने रहता है, मोबाइल कंटिन्यू रहता है, ऐसे में मेरे बच्चों को आँखों के ऊपर क्या असर हो सकता है? अगर हम मोबाइल नहीं देते बच्चों को तो एक गवर्नमेंट का एक ये है क्या ऑनलाइन पढ़ाई किया जाए, लेकिन ये भी बताते आँखों के डॉक्टर ये बताते हैं कि स्क्रीन से आँखें ख़राब होती है, तो सर हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एडवांस ट्रीटमेंट है या फिर कुछ प्रोटेक्ट करना चाहिए? आज के इन सिनेरियो में जबकि हम कोरोना से 1.5 साल से जूझ रहे हैं, उसमें हमारे बच्चों को इस बीमारी से एक्सपोज ना किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सब कुछ शुरू किया है। डेफिनेटली ऑनलाइन जब शुरू किया है तो हमको स्क्रीन पे ही काम करना है। हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त एक तो मोबाइल पर, लैपटॉप पे या टीवी पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन सभी का साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि जिन बच्चों को आँखों की कोई बीमारी नहीं है उनको भी आँखों के तान पड़ना, आँखों में लालपना आना और उनका नंबर बढ़ने जैसी शिकायतें आ रही है। तो मेरा ये कहना रहेगा जितना कम हो सके उतना स्क्रीन का टाइम यूज़ किया जाए। जब भी आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लाइट ज़्यादा रहना चाहिए, आप खिड़की के नज़दीक या फिर अपने कांच के दरवाजे के पास बैठ के पढ़ना चाहिए, सो दैट हर 20 से 30 मिनट के बाद आप बाहर की ओर देखकर अपनी आँखों का तान कम करना चाहिए। और जब जहाँ हो सके बाकी का टाइम जो कि ऑनलाइन रहने ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बुक्स से पढ़ाई करना चाहिए। अपने बच्चों की आँख ख़राब ना हो इसलिए हर किसी को ठंडे पानी से आँख पे छपके लगाना चाहिए, अपनी आँखों को बंद चालू फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग करना चाहिए सो दैट ड्राइनेस ना आए, और उनकी आँखों की रेगुलर जांच भी कराना ज़रूरी है। ये आँखों की जो बीमारी डिसीज़ होती है ये अनुवंशिक होती है क्या? अगर अनुवंशिक है तो कितने प्रमाण में होती है, और आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए आहार में क्या आहार लेना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए हर बीमारी तो अनुवंशिक नहीं होती है, कुछ बीमारी होती है जो अनुवंशिक में आ सकती है, जैसा माँ बाप को अगर कोई बड़ी कोई रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या काच बिंदु जैसी जो बीमारियां है वो अनुवंशिक होती है, पर उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रेगुलर चेकअप की वजह से भी आप इन बीमारियों से बचा जा सकता है। छोटे बच्चों को होने वाली शिकायतें जनरली सभी स्क्रीन की रिलेटेड है, अपना एजुकेशन सिस्टम की रिलेटेड है, क्योंकि इंडोर वर्क ज़्यादा कर रहे हैं हम इसलिए आँखों का प्रॉब्लम आ रहा है। तो बच्चों को ओपन ग्राउंड में खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और खाने में छोटे बच्चों को पर्टिकुलरली हरी सब्जियां, खट्टे फल, गाजर, पपई, जिस चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो और विटामिन ज़्यादा हो ये चीज़ें बढ़ाना चाहिए, जंक फूड से अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। कोरोना महामारी में जैसा 1.5 साल से लोग जूझ रहे हैं, काफ़ी परेशानी उठा रहे हैं, ऐसे में इनके मन में काफ़ी भय हो उठ चुका है, इसके वजह से इन्हें आज अपने आँखों को प्रोटेक्ट के लिए हम अभी आगे अपने आँखें अच्छे कैसे रहना चाहिए, इसके लिए एज अ ऑप्टोमोलॉजिस्ट, एज अ लैसिक सर्जन, हमें हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आपने सभी टीवी चैनल पे या फिर न्यूज़ माध्यम से आपको पता चल चुका होगा कि कोरोना किस तरह फैलता है, इसमें से एक तरीका है आँखों से भी इन्फेक्शन होने का। जी हाँ, कोरोना आँखों से भी इन्फेक्शन करता है, तो इसलिए हमको हम सभी को ठंडे पानी से रोज़ आँखें धोना चाहिए, अपनी लीड मार्जिन की हाइजीन की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके जब कभी आप किसी गर्दी की जगह पे जाएंगे जहाँ पर 2 से लोग ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे आप आइदर चश्मा, शील्ड या फिर आँखों पे प्रोटेक्शन लगाना चाहिए। दर्शकों को ये बताइए कि अभी कोरोना महामारी में भय न करते हुए अपने आँखों की प्रोटेक्ट कैसा करना चाहिए और हेल्दी आँख रहने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि कोरोना की महामारी तो आ चुकी है, हमें इससे डरना नहीं है, हमको इसे फेस करना है। जिस तरह से हमारी सरकार, हमारी पब्लिक, हमारे डॉक्टर सभी लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि आप ये बीमारी अपने आप को होने से बचाने के लिए मास्क का वापर सबसे ज़रूरी है, सैनिटाइज सबसे ज़रूरी है, हाथों को साफ रखना, हैंड सैनिटाइज़र वापरना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आँखों की लीड हाइजीन, इसलिए आपको सुबह शाम को आँखों को स्वच्छ या साबुन से स्वच्छ धोने के बाद प्रॉपरली केयर लेना चाहिए, और आँखों को इन्फेक्शन ना हो इसलिए आपको शील्ड या फिर गॉगल यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात, इन्फेक्शन ना हो इसलिए दूरियां, सामाजिक दूरियां जो बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए,
कहीं भी गर्दी की जगह पर अपने आप की केयर लीजिए। अगर आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो देश और अपना समाज ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क जरूरी है। और आँखों को हेल्दी रखने के लिए आपको ठंडे पानी से रोज़ धोना है, और हरी सब्जियाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हरी सब्जियाँ, खट्टे फल, गाजर, पपई, मूंगना की फली, ये ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, और ब्लिंकिंग पैटर्न प्रॉपर रखना चाहिए। स्क्रीन का कम से कम टाइम यूज़ करेंगे, और जब भी जहाँ पे भी ज़रूरी हो और जहाँ पे भी नेसेसिटी हो लाइट का भरपूर उपयोग करें। दर्शकों, डॉक्टर अरुण अड़चित्रे साहब ने काफ़ी अच्छे हमें जानकारी दी है आँखों के बारे में, प्रोटेक्ट कैसा रहना चाहिए, जो म्यूकर माइकोसिस के बारे में जो भय है अपने दिल में, हर एक को वो ये बीमारी नहीं होती, ये भी बताया हमें, लेकिन हमें इससे मतलब सावधान भी रहना चाहिए, हमें अपना हाइजीन रहना, आँखों का हाइजीन रखना चाहिए, जैसा भी उन्होंने खान पान में आहार में बताया है वो भी अपने उनके टिप्स अमल में लाना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है।